Hello everyone, here are the solutions for exercise number 9, close test and para jumbles. I hope aapne pehle khud se exercise ko solve kiya hoga, uske baad aap ye solutions dekh rahe ho. Because I always say, agar aap directly solutions par aate ho, so that is not gonna help you in long run, right? Pehle aapko khud se try karna chahiye, uske baad hi aapko solutions dekhne chahiye. So it's a request, aap log pehle khud se try kiya kijiye, uske baad solutions par aaya kijiye. और ये जिनको नहीं पता एक्सरसाइजेज आपको मिलती कहाँ है, डेली एक्सरसाइजेज आपको मिलती है मेरे टेलीग्राम चैनल पर. लिंक गिवन है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इंग्लिश मेड इजी विद विभा. ठीक है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है इसी नाम से ही टेलीग्राम चैनल है. लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आप वहां से भी इसे ज्वाइन कर सकते हो. डेली एक्सरसाइजेज, डेली पीडीएफ सब आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलता है. ऑलराइट, चलिए सो लेट्स बिगिन. स्टार्ट करने से पहले ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आज मुझे पहली बार देख रहे हैं. सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी, यू कैन पॉज एंड रीड इट. और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम तो मैंने आपको बता ही दिया, उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं. इंग्लिश मेड इजी विद विभा ये हैंडल है. अगेन इन दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही गिवन है. आ जाते हैं आज के फर्स्ट एक्सरसाइज पर, क्लोज टेस्ट. ठीक है, पहले आपका क्लोज टेस्ट था, उसके बाद आपका पैरा जंबल्स का सेट था. ओके, सो ये हमारा क्लोज टेस्ट है. देखो क्लोज टेस्ट करने की सही अप्रोच क्या होती है, पहले पूरे पैसेज को स्कैन कर लो. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग रीड, आई एम सेइंग स्कैन, है ना. स्कैन का मतलब होता है क्विक रीडिंग लेना, ब्लैंक्स के साथ ही एक बार क्विक रीडिंग ले लो. ठीक है, सो दैट आपको आइडिया लग सके कि मतलब पैसेज में बात किसकी हो रही है, पैसेज की टोन क्या है, इंट्रोडक्टरी पैसेज है या फिर सार्कास्म किया गया है या फिर किसी को क्रिटिसाइज किया गया है या फिर सजेस्टिव टोन है, राइट. तो उससे आपको हेल्प ये मिलती है कि आप लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हो बहुत इजीली, है ना. सो आई होप आपने यही अप्रोच अपनाई होगी, क्योंकि मैंने बहुत बार पहले आपको बता रखा है व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच टू सॉल्व क्लोज टेस्ट. चलिए तो आते हैं आज के क्लोज टेस्ट पर. एवरी लाइफ एक्सपीरियंस इज डैश टू ईच इंडिविजुअल. एवरी लाइफ एक्सपीरियंस, लाइफ का हर एक्सपीरियंस हर बंदे के लिए क्या होता है, रेशनल होता है, इंटरनली होता है, एक्सटर्नली होता है या इंटरनल होता है. देखो इंटरनली और एक्सटर्नली तो वैसे ही नहीं आ सकता, इज लिखा है ना, इज एक मेन वर्ब की तरह आया, तो इसके बाद आप एडजेक्टिव लगाते हो, एडवर्ब नहीं लगाते हो. दो एडजेक्टिव्स हैं हमारे पास, रेशनल और इंटरनल. रेशनल का मतलब होता है लॉजिकल, ठीक है, और इंटरनल तो आपको पता ही है अंदरूनी, इंटरनल, राइट. अगर आपने पूरा ये क्लोज टेस्ट स्कैन किया था तो आप लोगों ने देखा होगा आउटसाइड इनसाइड, बहुत बार आपको ये चीज दिखी है ना, आउटसाइड इंटरनल इंटरनल. मैं ये पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, मैं आपको डायरेक्टली सोल्यूशन बता रही हूँ, पर आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने पहले इसको स्कैन किया होगा, पूरा आपने स्कैन किया होगा, है ना. तो आप लोगों को इंटरनल एक्सटर्नल इस तरह के वर्ड्स दिखे होंगे, तो हमें आइडिया मिल गया है ना, हमें रैशनल नहीं लगाना, हमें लगाना है इंटरनल. बहुत बार क्लोज टेस्ट के जो ब्लैंक्स होते हैं उनका आंसर आपको आगे कहीं ना कहीं क्लोज टेस्ट में ही मिल जाता है. अब जैसे बार बार आप देख रहे हो इंटरनल एक्सटर्नल इस तरह के वर्ड्स यूज हुए है ना, तो आपको अपने आप आइडिया लग गया भाई यहाँ पर रैशनल का तो कोई मतलब ही नहीं है, लॉजिक की तो कोई बात ही नहीं हो रही है ना. एवरी लाइफ एक्सपीरियंस इज इंटरनल टू ईच इंडिविजुअल. आगे क्या कह रहे हैं, द ऑब्जेक्ट्स और स्टिमुलाई वी एक्सपीरियंस मे बी इनिशिएटेड फ्रॉम द आउटसाइड. भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी स्टिमुलाई, स्टिमुलाई मतलब कोई भी चीज जो हमें अफेक्ट कर रही है ना, हो सकता है वो इनिशिएट हुई हो बाहर से, लेकिन द एक्सपीरियंस टेक्स प्लेस इन आर माइंड एंड आर बॉडी. लेकिन उसका अफेक्ट हमारी माइंड पर, हमारे बॉडी पर पड़ता है ना. वो चीज बाहर से आ सकती है लेकिन हमारे अंदर उसका असर आता है ना, हमारे माइंड पर, हमारे बॉडी पर. द स्टेट ऑफ योगा इज ऑल्सो एक्सपीरियंस. योगा की जो स्टेट होती है ये भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, लेकिन ये अनलाइक मतलब दूसरों की तरह नहीं है, है ना, बाकी एक्सपीरियंसेस की तरह नहीं है ये. योगा जो होता है ये इंटरनल डैश होता है. अब देखो एक्सपीरियंस की बात हो रही है, बोला ना कि स्टेट ऑफ योगा एक एक्सपीरियंस है लेकिन बाकी एक्सपीरियंसेस जैसा नहीं है, तो फिर ये कैसा एक्सपीरियंस है, ये इंटरनल एक्सपीरियंस है. ऑब्वियस सी बात है क्या लगाओगे, इंटरनल एक्सपीरियंस. ठीक है, एक्सपीरियंस्ड नहीं कहेंगे, विटनेस्ड का कोई मतलब नहीं है, है ना. इंटरनल एक्सपीरियंस है ऑफ सिंपली बीइंग, अ स्टेट ऑफ इनर ट्रैंक्विलिटी. ट्रैंक्विलिटी होता है कामनेस, वो काम रहने वाली स्टेट.
और पीस। वी रीच दिस इंटरनल एक्सपीरियंस। देखो आगे आंसर मिला ना, अभी आपने यहाँ पर क्या लगाना था उसका आंसर आपको यहाँ मिल चुका है, इंटरनल एक्सपीरियंस, राइट। तो क्या बोल रहा है कि हम लोग इस इंटरनल एक्सपीरियंस तक पहुंचते हैं कैसे, वो बताया गया है, बाय ट्रांसफॉर्मिंग द हैबिचुअल एक्टिविटी ऑफ आवर माइंड टू डेवलप स्टिलनेस। कि हम लोग अपने माइंड की जो एक्टिविटीज है ना, हैबिचुअल एक्टिविटीज है, उनको हम किस में चेंज कर लें, स्टिलनेस में, मतलब स्टिल हो जाए, है ना। जैसे आप लोग मेडिटेट करते हो, शांत उसमें बैठते हो, है ना, बिल्कुल मेडिटेट करते हो, स्टिल वाली स्टेट में हो जाते हो, मतलब जब तुम्हारे दिमाग में थॉट्स वॉट्स नहीं चल रहे होते, स्टिलनेस। लास्टिंग ट्रैंक्विलिटी और कामनेस ऑफ माइंड कैन नॉट बी डैश ओनली बाय चेंजिंग द एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस ऑफ आवर लाइव्स। क्या कह रहा है, अगर तुम्हें लास्टिंग कामनेस चाहिए, एक तो होता है थोड़े टाइम के लिए मिल गया, है ना, थोड़े टाइम तुमने मेडिटेशन किया, तुम्हें थोड़ा सा काम फील हुआ, उसके बाद फिर वही भाई बाहर का शोर शराबा, बाहर से थॉट्स आए, है ना, लोगों की सुनी, एक्सटर्नल मतलब चीजें आई, तो वापस से वैसे, है ना। तो क्या बोल रहा है, अगर आपको लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग मतलब परमानेंट आपको अगर कामनेस चाहिए माइंड का, इट कैन नॉट बी डैश, ये हम लोग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस को चेंज करके, है ना, ये चीज तुम अचीव नहीं कर सकते, इस चीज तक तुम पहुंच नहीं सकते सिर्फ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस को चेंज करके। मतलब कहने का वही है, इंटरनली भी तुम्हें वो चीज एक्सपीरियंस करनी होगी, ठीक है। सिर्फ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस को चेंज करके आप लास्टिंग ट्रैंक्विलिटी को अचीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वर्ड कैन नॉट बी अचीव्ड या फिर कैन नॉट बी रीच्ड, है ना, उस तक पहुंचा नहीं जा सकता जस्ट बाय डूइंग दिस। तो गोन नहीं आएगा, गो नहीं आएगा, वेंट नहीं आएगा, है ना, बी के साथ वैसे भी आएगा तो V3 ही, तो गो और वेंट तो वैसे ही हटा सकते थे, है ना, गोन का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं बन रहा। आगे क्या था, इनर ट्रैंक्विलिटी मतलब इनर जो कामनेस होती है वो किस चीज में लाई करती है, इन बीइंग अनडिस्टर्ब्ड डिस्पाइट एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। इनर पीस आपको कब मिलता है, जब बाहर चाहे कुछ हो रहा हो, बाहर चाहे कितना शोर शराबा हो, लेकिन तुम्हारे अंदर शांति हो, है ना, तुम अंदर से इंटरनली तुम अनडिस्टर्ब्ड हो। देयरफॉर ये जो एक्सटर्नल सिचुएशंस होती हैं, इनका जो रोल होता है कामनेस को लाने में, माइंड की कामनेस को लाने में, इज एट बेस्ट डैश। मतलब अब पूरे पैसेज को अगर आप समझो तो बात क्या आ रही है, बात अब तक यही आ रही है ना कि सिर्फ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को चेंज करके तुम लास्टिंग ट्रैंक्विलिटी को अचीव नहीं कर सकते, इनर भी तुम्हारे अंदर वो होनी चाहिए चीज, है ना, इनर भी तुम्हारे अंदर यू नो कामनेस होनी चाहिए। इसीलिए बोल रहा है कि जो एक्सटर्नल सिचुएशंस कामनेस लाती हैं वो कैसी होती हैं, वो ट्रांजिएंट होती हैं। ट्रांजिएंट का मतलब विच लास्ट शॉर्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना, जो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहती, है ना, जो टेम्परेरी होती है, ठीक है। कह रहे बाहर से भी शांति तो मिल जाती है, तुमने कुछ मोटिवेशनल स्पीच सुन ली, है ना, वो भी तुम्हें शांत कर देगी, लेकिन कब तक, दैट इज टेम्परेरी, ठीक है, वो चीज टेम्परेरी है। अगर तुम्हें परमानेंट कामनेस चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग ट्रैंक्विलिटी चाहिए, तो फिर इनर पीस तुम्हारे अंदर बहुत जरूरी है, राइट। सो वही चीज है, एक्सटर्नल सिचुएशन से जो ट्रैंक्विलिटी आती है वो टेम्परेरी होती है, ट्रांजिएंट होती है। एंड द लास्ट वन इज, इफ थिंग्स दैट डिस्टर्ब अस आर रिमूव्ड, वी आर टेम्परेरली मोर एट पीस। जो चीजें हमें डिस्टर्ब करती है, अगर हम उनको रिमूव कर दें तो हम टेम्परेरली तो पीस पर आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन जब सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं तो हमारा माइंड भी चेंज हो जाता है, राइट। ठीक है, तुमने बाहर की चीजों को हटा भी दिया एक बार के लिए, है ना, जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही थी तुमने उनको रिमूव कर दिया, तुम्हारा माइंड पीस में आ गया, लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन चेंज हुई, वो सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, तुम्हारा माइंड भी फिर से चेंज होगा, राइट। And we will soon find ourselves dash once more. तब हम फिर अपने आप को एक बार फिर से कैसा पाएंगे? Disturbance पाएंगे, disorderly पाएंगे, organization की तो बात ही नहीं हो रही, है ना, order की, organization की तो बात ही नहीं हो रही, हम अपने आप को दोबारा से फिर कैसा पाएंगे? Disturbed पाएंगे, right? So last option में हमारा आएगा disturbed. So I hope ये पूरा अब आपको clear हो गया होगा अच्छे से, अगर आपकी कोई mistake हुई so आप लोगों को पता लग गया होगा, है ना, कहाँ गलती की। अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, पैरा जंबल पर। ओके, सो दिस वाज द पैरा जंबल, मॉडरेट लेवल था, है ना, इजी तो मैं नहीं बोलूंगी इसको, ये वाला पैरा जंबल हमारा मॉडरेट लेवल का था,
है ना। चलो तो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस पर बेस्ड आपके 5 क्वेश्चंस है ना, वो मैंने आगे दिए हुए हैं। चलिए, दे सेग्रीगेट वेस्ट। सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट, नहीं भी पता डजेंट मैटर। पैरा जंबल्स में ना आपको वोकैबुलरी ग्रामर नहीं भी पता चलेगा, है ना, थोड़ा बहुत भी पता है तो आप लोग पैरा जंबल्स कर सकते हो। अप्रोच मैंने आपको बहुत बार बता रखी है ना। आते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पर। दे सेग्रीगेट वेस्ट, दे कौन दे, किसकी बात हो रही है, नहीं लिख सकते यहाँ पर दे, है ना, डायरेक्टली आप दे नहीं लिख सकते। इन देयर रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस कम्युनिटीज और जो एनवायरमेंटली माइंडेड इंडिविजुअल्स हैं वो गवर्नमेंट से आगे हैं, गवर्नमेंट और म्युनिसिपल अथॉरिटीज से आगे हैं ये लोग। कौन लोग? कम्युनिटीज और एनवायरमेंटली माइंडेड इंडिविजुअल्स। ओके, इट कैन बी आर फर्स्ट सेंटेंस, है ना, क्योंकि इसमें इन लोगों की बात की गई है, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ये। इट इज द सेंटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट एनवायरमेंट एक्ट दैट ओवर आर्किंग लॉ दैट इनेबल्स एंटी पॉल्यूशन रूल्स टू बी इशूड इज इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। ओके, कहा गया कि ये सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना इस तरह के रूल्स वगैरह को इम्प्लीमेंट करना, सिर्फ लिखित में ही नहीं एक्चुअल में भी उनको मतलब लागू भी करें। आइडियली रेगुलेशन शुड हेल्प, शुड देखो सजेशन दिया गया है, और सजेशन मेनली हम लोग लास्ट में देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी भी आर्टिकल पढ़ते हो, कभी भी आप कोई आर्टिकल लिखते हो, कोई ऐसे लिखते हो, तो सजेशन हमेशा लास्ट में देते हो, है ना। तो ये वाला सेंटेंस हम शायद लास्ट में रख सकते हैं, है ना। सो हमने एक बार के लिए इसको रख दिया, फिक्स कर दिया हमने इसको लास्ट में। बट वाला सेंटेंस अगेन फर्स्ट सेंटेंस नहीं होता, है ना। लेकिन बोल क्या रहा है इसमें, बट वैल्यूएबल एज दे आर वॉलेंट्री एफर्ट्स कैन नॉट अचीव व्हाट अ सिस्टमैटिक रिफॉर्म कैन। देखो क्या कह रहा है, वॉलेंट्री होता है अपने आप से, है ना। अब इस वाले में ना इस पैसेज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा आप लोगों को इसमें ना पेयर्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। पेयर्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर बोला गया वॉलेंट्री एफर्ट्स, वॉलेंट्री मतलब जो खुद अपने आप से करते हैं एफर्ट्स, वो चीज अचीव नहीं कर सकते जो एक सिस्टमैटिक रिफॉर्म कर सकता है, राइट। अभी आपने देखा था, यहाँ आपने कुछ ऐसा पढ़ा था कि कम्युनिटीज और एनवायरमेंटली माइंडेड पीपल जो हैं वो आगे हैं गवर्नमेंट वगैरह से, मतलब जो ये सिस्टमैटिक रिफॉर्म की बात हो रही है ये इनकी है, गवर्नमेंट वालों की, है ना। गवर्नमेंट बनाती है वो सिस्टम जो होता है, राइट। और ये वो लोग हैं जो वॉलेंट्री एफर्ट्स कर रहे हैं, है ना, ये अपनी इच्छा से कर रहे हैं ना, ये सरकार नहीं है, ये वो लोग हैं जो अपनी उनकी इच्छा है खुद की, एनवायरमेंटली माइंडेड पीपल है, राइट। अब देखो कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है ना भाई, ये कुछ काम कर रहे हैं, है ना, और यहाँ बोला गया चाहिए कितना ही अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन ये वो चीज अचीव नहीं कर सकते जो एक सिस्टमैटिक रिफॉर्म कर सकता है, राइट। अब आएगा तो ई बी के बाद ही कहीं ना कहीं, मैं नहीं कह रही जस्ट बाद आएगा, लेकिन आएगा ई बी के बाद ही, राइट। अब देखो यहाँ पर बोला गया था कि ये लोग आगे हैं गवर्नमेंट से, अब ये लोग करते क्या हैं, ये लोग करते क्या है वो बताया गया है ए में। दे सेपरेट वेस्ट, है ना, कंपोस्ट एट होम, कंडक्ट प्लास्टिक फ्री सोशल इवेंट्स, ये सारी चीजें ये करते हैं। सो कहना इसे बी के बाद ए आएगा, राइट। यहाँ पर बोला गया ये लोग गवर्नमेंट से आगे हैं, अब वो करते क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, वो ए में आ गया। अब करते तो हैं लेकिन, लेकिन आ गया, है ना, ऑपोजिट स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करता है बट। लेकिन चाहे वो कितने वैल्यूएबल एफर्ट्स कर रहे हो लेकिन उनके एफर्ट्स वो चीज अचीव नहीं कर सकते जो एक सिस्टमैटिक रिफॉर्म अचीव कर सकता है, राइट। अब ये वाली बात लिखोगे भाई, ये सेंटर की जिम्मेदारी होती है ये सब करना, है ना। अब ये वाली चीज आएगी कि गवर्नमेंट सेंटर की जिम्मेदारी होती है। लास्ट में आप दोगे सजेशन, आइडियली रेगुलेशन जो होना चाहिए दैट शुड हेल्प स्टॉप द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड ऑल, जो भी दिया गया वो, है ना। लास्ट में आप दे दोगे डी सजेशन। समझ में आया, थोड़ा सा ट्रिकी आई गेस आप लोगों को लगा होगा ये पैरा जंबल, बट अब आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे आपको रिलेट करना था, कैसे पेयर्स बनाने थे, है ना। बी के साथ ई लिंक कर रहा था, बी के साथ ए लिंक कर रहा था, है ना, उनके आपने पेयर्स बनाए। फिर जब यहाँ पर बोला सिस्टमैटिक रिफॉर्म तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया कि सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऐसा ऐसा करना, और लास्ट में आपने दिया एक सजेशन, ठीक है।
पूरा हमें नहीं पढ़ना होता, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मैंने ये पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं पढ़े, मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के आइडिया लिया है ना कि इस चीज की बात हो रही है, इस चीज की बात हो रही है, इसको मैं यहाँ से रिलेट कर सकती हूँ, इसका इसके साथ पेयर बन सकता है, राइट? सो दैट शुड बी द करेक्ट अप्रोच टू सॉल्व पैरा जंबल. आई गेस दोनों एक्सरसाइजेस समझ में आई होंगी, क्लोज टेस्ट एंड पैरा जंबल्स. अभी भी कोई डाउट बचता है एक दो बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना, ठीक है? ये क्वेश्चन से इस पर बेस्ड एग्जाम में आपको ऐसे मिलते हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है? एक दो बार रिवाइंड करके देखना, कोई डाउट होता है सो आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा. फिर भी डाउट बचता है तो आप मुझे इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर डीएम करके आप मुझे पूछ सकते हो. इंग्लिश मेड इजी विद विभा, लिंक तीनों का डिस्क्रिप्शन में है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तीनों का लिंक है, अभी जाकर ज्वाइन कर लो ताकि आपको सारे पीडीएफ्स मिलते रहे, सारे डाउट्स आप मुझसे पूछ सको, ओके? चलिए, सो आई टेक यू लीव हियर. स्कोर्स शेयर करना मत भूलना, एज आई ऑलवेज से, आउट ऑफ 10 कितना स्कोर रहा है ना, और आप लोग सेपरेटली भी अपना स्कोर शेयर कर सकते हो, मतलब पैरा जंबल में कितना आया आउट ऑफ 5 और क्लोज टेस्ट में कितना आया आउट ऑफ 5, ठीक है? आप लोग सेपरेटली भी कर सकते हो और आउट ऑफ 10 भी आप मुझे बता सकते हो, दैट्स योर विश, ठीक है? चलो, सो आई टेक योर लीव हियर. आई होप सभी को एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी. नाउ विल मीट एट 9:30 टुमारो मॉर्निंग, द हिंदू एडिटोरियल सेशन में मिलेंगे. सो आई होप टू सी यू ऑल देयर. टिल देन, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग.